नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो सभी लोग को जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले कि आखिर आप लोग को फिजिकल में कितना नंबर से बुलाया जाएगा। आप झारखंड से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, आप कोई भी स्टेट से आप आते हो, तो आपका आखिर आप लोग को फिजिकल में कितना नंबर से बुलाया जाएगा, ए टू जेड आप लोग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। और आप लोग बात करने वाले कि आखिर आप लोग का पिछले साल से इस बार आप लोग कट ऑफ थोड़ा सा कम क्यों जाएगा, वो भी आप लोग बात करते हैं दोस्तों। सब तो मेन पॉइंट आप लोग का ये हो जाता है कि पिछले बार जो वैकेंसी था दोस्तों वो 25,271 आप लोग का वैकेंसी था दोस्तों, और इस बार पिछले साल से आप लोग का कितना वैकेंसी है, 3 गुना ज्यादा आप लोग का इस बार वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पर प्लस पॉइंट यहाँ पर भी बन जा रहा है। तो देखिए पिछले साल आप लोग का वैकेंसी 25,271 पोस्ट था, और इस बार आप लोग जब वैकेंसी है दोस्तों, सबसे पहले एक बार आप लोग 22,000 कुल वैकेंसी आपको बताया सरकार, फिर सरकार के द्वारा अपडेट कर दिया है एसएससी वेबसाइट में 45,284 पोस्ट, फिर से आप लोग का तीसरा बार आप लोग बढ़ा के दोस्तों 1,151 पोस्ट टोटल बढ़ के दोस्तों, टोटल जो आप लोग का अभी फिलहाल वैकेंसी है दोस्तों वो 46,435 वैकेंसी इस बार आप लोग का वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में। इसी टोटल वैकेंसी आप लोग का एसएससी जीडी का इतना है। तो दोस्तों पिछले साल आप लोग जो फॉर्म भरा गया था 2021 में, जो आप लोग का फॉर्म भरा गया था दोस्तों, वो टोटल 71 लाख फॉर्म भरा गया था। कितना? 71 लाख फॉर्म भरा गया था। यहाँ पर भी देख लीजिए आपका प्लस पॉइंट बन रहा है इस साल कि दोस्तों पिछले साल आप लोग का 71 लाख भरा गया था, और इस साल आप लोग का कितना भरा गया? 54 लाख फॉर्म भरा गया। तो पिछले साल से दोस्तों आप लोग का मतलब आप लोग का 20 लाख फॉर्म कम भरा गया। तो यहाँ पर भी आप लोग का प्लस पॉइंट बन रहा। तो पिछले साल से आप लोग का 20 लाख फॉर्म कम भरा गया, तो आप लोग का यहाँ पर क्या बन रहा है? प्लस पॉइंट बन जा रहा। और एक आप लोग बात समझ लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर पिछले साल से आप लोग जो पिछले साल एक सीट को लड़ने के लिए दोस्तों कितना लड़का फाइट कर रहा था, समझ लीजिए एक वैकेंसी को फाइट करने के लिए दोस्तों 280 कैंडिडेट फाइट कर रहा था एक सीट को लेने के लिए, और इस बार आप लोग जो फाइट कर रहा है दोस्तों वो एक पोस्ट को लेने के लिए लगभग 100 लोग फाइट कर रहा, मतलब आप लोग का 100 लोग कॉम्पिटिशन एक सीट लेने के लिए आप लोग घट चुका है। तो यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट बन रहा है। और हम लोग चलिए बात करेंगे कि पिछले साल से आप लोग का क्या इस बार आप लोग का चांस कितना है, वो भी आप लोग बताएंगे कि ओबीसी से आप लोग झारखंड से क्या कटअप जाएगा, बिहार से क्या कटअप जाएगा, ए टू जेड आप लोग बताएंगे दोस्तों। देख लीजिए सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं कि पिछले बार देखिए आप लोग मेन पॉइंट समझिए कि किस कारण से आप लोग कटअप कम जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए पिछले साल आप लोग का जो था दोस्तों वो 1.5 घंटा का टाइमिंग था, और इस बार जो आप लोग टाइमिंग आप लोग कर दिया गया दोस्तों 1 घंटा, जिसमें काफी लोगों का काफी तरह से आप लोग का परेशान का सामना करना पड़ रहा था कि टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था और क्वेश्चन को अटेम्प नहीं कर रहा था। तो दोस्तों सभी लोग का अभी तक जो हम लोग एनालिसिस निकाले दोस्तों लगभग दोस्तों आप लोग का 80 से 85 ज्यादा लोग आप लोग का स्कोर आ रहा, आधा से ज्यादा आप लोग का हर एक आप लोग का कैटेगरी से जो आ रहा है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो सबसे ज्यादा जो अटेम्प्ट किया दोस्तों 80 से 90 सभी लोग बता रहे हैं। बहुत ही कम है दोस्तों से 120-140 नंबर आप लोग का 120-125 आप लोग का ज्यादा ज्यादा लोग लाए हैं। तो यहाँ पर आप लोग आखिर आप लोग का इतना कम अगर नंबर किसी का आया है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आप लोग आखिर कितना आप लोग का कटअप जाएगा, वो भी हम लोग चलिए बात करेंगे उसके बाद। तो दोस्तों पिछले बार देखिए आप लोग का कितना था, पिछले बार था दोस्तों 100 क्वेश्चन था, इस बार आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पिछले बार आप लोग देखिए 60 मिनट आप लोग बता ही दिए। तो यहाँ पर देखिए काफी लोग क्या हो रहा था कि काफी लोग अगर मैथ कोई अगर सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहा था तो रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन छू नहीं पा रहे थे, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट काफी लोग नहीं कर पाए हैं। और देखिए पिछले साल आप लोग को बुलाया गया था दोस्तों, आप लोग देख लीजिए पिछले बार आप लोग का जो बुलाया गया था दोस्तों वो फिजिकल के लिए बुलाया गया था, वो 12 गुना बुलाया गया था, और इस बार जो आप लोग का फिजिकल में बुलाया गया था वो कितना बुलाया गया? 8 गुना आप लोग का फिजिकल बुलाया गया दोस्तों। पिछले साल आखिर आप लोग क्या कटअप गया था, चलिए हम लोग वो देख लेते हैं कि आप लोग झारखंड से क्या कटअप रहा था, बिहार से क्या कटअप था, ए टू जेड हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों देखिए एक चीज आप लोग बता देते हैं कि हर एक कैटेगरी का आप लोग जो कटअप है वो अलग अलग जाता है, और आप लोग का कितना स्कोर आ रहा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि आपका एरिया का क्या कटअप जाएगा वो हम लोग पूरा सटीक से आप लोग को बता पाए। तो दोस्तों पिछले बार का कटअप अगर आप लोग देख लीजिएगा तो इस बार आप लोगों को तो मालूम चल जाएगा कि आखिर पिछले साल का और इस साल का क्या अंतर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले साल का क्या कटअप था, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर कौन सा फोर्स में कितना वैकेंसी है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों कि पिछले साल जो आप लोगों का वैकेंसी था दोस्तों वो आप लोगों का 22,000 था, और इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों 46,000 आप लोगों का वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 45,284 आपको शो करा, लेकिन आप लोगों का 1100 कुछ वैकेंसी आपको इंक्लूड हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देख लीजिए झारखंड का जो BSF जनरल EWS का जो पिछले साल का आप लोग कटअप था दोस्तों वो 44 पॉइंट कुछ था। देख लीजिए BSF नक्सल EWS
ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है दोस्तों 41 गया था, सीएसएफ जनरल ईडब्ल्यूएस का देखिए 67 गया था, सीएसएफ नक्सल ईडब्ल्यूएस का 44 गया था दोस्तों। तो आप लोग देखिए एरिया वाइड में आप लोगों का बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, ये सब में आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 5 से 10 नंबर का आप लोग का अंतर देखने को मिल जा रहा है। देख लीजिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, सीएसएफ जनरल का देख लीजिए कितना गया था 45, और असम राइफल जनरल ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए कि वही एरिया का झारखंड का 57 गया। तो आप लोग देखिए हर एक फोर्स का जो है कटअप है वो भी अलग अलग जाता है दोस्तों। तो आप लोग जोर कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप लोग कौन से एरिया से आते हो, कौन से कैटेगरी से आते हो, और आपका कितना नंबर आ रहा है फिलहाल, वो भी आप लोग बताना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये भी देखिए कर्नाटक का भी देख लीजिए आप लोग, सभी देखिए एरिया का जो कटअप है दोस्तों, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सबका जो हर एक कैटेगरी का, हर एक फोर्स का जो कटअप है दोस्तों, आप लोग को अलग अलग देखने को मिलेगा दोस्तों। काफी लोग आपको ऐसे भी बता देते हैं दोस्तों कि 105 आपका झारखंड से जाएगा 100, तो दोस्तों हर एक स्टेट का जो कटअप ओबीसी नक्सल एरिया का जो कटअप रहता है वो अलग रहता है दोस्तों। आखिर इस बार आप लोगों का क्या कटअप रहने वाला, चलिए उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों कि झारखंड में आप लोग का क्या कटअप गया था अगले बार, और इस बार आप लोग क्या कटअप रहने वाला दोस्तों, चाहे देखिए लगभग आप लोग का सभी स्टेट का देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कटअप जाए तो कितना जाएगा। आप लोग देखिए ये आप लोग 2021 का और 22 का कटअप आपको बारे में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों कि 2021 में क्या कटअप गया था उसके बारे में हम लोग चलिए पूरा डिटेल के साथ हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 2021 में आप लोग क्या कटअप गया था और 2023 में आप लोग क्या कटअप जाने वाले हैं। पूरा A to Z आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में कि आखिर आप लोग का क्या कटअप रहने वाला, आपका फाइनल सिलेक्शन कितना में हो जाएगा, सभी लोग का जो आप लोग का संकोच था ओबीसी एससी आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं दोस्तों, आखिर आपका फाइनल सिलेक्शन आपका कितना नंबर पे होगा वो डिटेल करता है। तो देखिए सबसे पिछले साल का जो कटअप था वो 100 नंबर पे आप लोग 74 नंबर आप लोग गया था मेल कैंडिडेट का देख लीजिए ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए फीमेल का देख लीजिए 71 गया था, और एससी कैटेगरी का देख लीजिए कितना करता था 68 गया था, और इसमें आप लोग का फीमेल का गया था 65, और एसटी कैटेगरी का गया था 66, और एसटी का देख लीजिए 59 गया था आप लोग का फीमेल कैंडिडेट से, और एसटी का जो कटअप गया था वो 66 गया था, और एसटी का देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट का कितना गया था 59, ओबीसी का इसी तरह से आप लोग देख लीजिए दोस्तों कितना गया था 75 गया था, और यहाँ पर आप लोग का फीमेल कैंडिडेट का देख लीजिए कितना गया था 72। तो इसी तरह से आप लोग जो आप लोग कटअप गया था दोस्तों, यूआर का जो कटअप गया था वो 76 गया था, इसमें आप लोग देख लीजिए कितना गया था फीमेल कैंडिडेट का 73 गया था। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग कटअप गया था दोस्तों, और आप लोग का आखिर इस बार आप लोग कितना नंबर लाने से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो या एसटी कैटेगरी से आते हो, आखिर आपका कितना नंबर पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, A to Z आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में। इससे बिल्कुल आप लोग का कटअप हाई नहीं जाएगा दोस्तों, बल्कि लो जा सकता है, लेकिन आपका बिल्कुल इससे पार आपका नंबर नहीं जाने वाला है। आप लोग देख लेते हैं कि 2022-23 का जो आप लोग का सेशन इस बार जो आप लोग का कटअप जाने वाला है दोस्तों, देखिए मेल कैंडिडेट का सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अगर आपका 100 से दोस्तों 105 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है, और फीमेल कैंडिडेट में ही हम लोग बात करें तो 95 दोस्तों, इससे हल्का कम जा सकता है इससे, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, 95 से 100 नंबर आपका ज़्यादा जाएगा ईडब्ल्यूएस का। देख लीजिए एससी कैटेगरी से हम लोग बात कर लेते हैं, एससी कैटेगरी देख लीजिए इस बार आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेल कैंडिडेट का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देख लीजिए 90 से 95 आप लोग का मेल का जाएगा, और यहाँ पर फीमेल का बात कर लेते हो 80 से 85 दोस्तों, इससे ज़्यादा बिल्कुल आप लोग कटअप नहीं भागने वाला भाई, हम श्योर बता रहे हैं आप लोग को। और देखिए दोस्तों ओबीसी का देख लीजिए कटअप हम लोग बात कर लेते हैं 100 से 105 नंबर जाएगा, सॉरी 102 से 105 नंबर, और इसमें आप लोग का ओबीसी का 97 से 100, और आप लोग देख लीजिए मेल कैंडिडेट का देख लीजिए कितना जाएगा 105 से 107 जाएगा आप लोग का, यूआर का कटअप जाएगा, और आप लोग फीमेल का बात कर लेते हैं 100 से 102 नंबर आप लोग ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो कटअप देखे दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाएगा, जैसे कि आप लोग देख लीजिए एक चीज बता देते कि ओबीसी का हर एक जगह का आप लोग हम बात किए कि ओबीसी का आप लोग का हर एक जगह जो 105 आपका 102 जो आपको बताया जा रहा है वो अलग अलग आप लोग डिपेंड करता है दोस्तों, नक्सल एरिया में आप लोग का कम भी जा सकता है, बॉर्डर एरिया में अलग आप लोग कटअप रहता है, सब जगह का आप देखिए बिहार का कटअप ये अलग रहेगा, ओबीसी से आप लोग जो कटअप रहेगा वो अलग रहेगा। और आप लोग जो कमेंट करके बताइए दोस्तों की आखिर आपका नंबर कितना आया है और आपका एरिया में क्या कटअप रहने वाला, A to Z हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। और सभी लोग एक चीज बता देते हैं कि देखिए हर एक आप लोग का फोर्स का जो कटअप रहेगा वो अलग अलग रहेगा, जैसे कि आप पिछले बार आप लोग देखिए कि जो फोर्स रहता है सीएसएफ का जो कटअप गया था वो अलग गया था, बीएसएफ का जो कटअप गया था अलग गया था, सारा जितना भी कटअप आप लोग जाता है दोस्तों हर एक फोर्स का जो कटअप है वो अलग अलग आप लोगों का देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आप लोग कटअप आप लोग को देखने को मिलेगा, ज्यादा आप लोग का कटअप आप लोग देखिए ओबीसी का जो कटअप रहेगा वो आप लोग का नॉर्मल रहेगा, झारखंड से हम लोग बता रहे हैं। अगर आप लोग देखिए फिजिकल का बात करें तो फिजिकल में देखिए अगर आप लोग का 55 से 60 नंबर अगर किसी का है फिजिकल में तो वो लोग बिल्कुल आप लोग ओबीसी कैटेगरी से अगर आते हो नक्सल एरिया से तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए आप बिल्कुल अभी से ही तैयार कर दो, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले बार आप लोग
50 नंबर में लगभग बुला लिया था, इस बार आप लोग 60 से 55 नंबर अगर किसी का बीच में है तो फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। फिजिकल के बाद आपका थोड़ा सा नंबर आपको भागेगा। 60 से 65 अगर किसी का है फिजिकल के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहो। और एसटी कैटेगरी अगर 55 से 60 नंबर किसी का है, 55 हाँ लगभग आपका 45 से 55 नंबर किसी का है तो फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा उससे एरिया। और आपका कितना नंबर आ रहा है आप जो कमेंट करके बताना, ताकि आपका एरिया में क्या कटअप जाएगा आप लोग जो बताएंगे। और कमेंट में जितना आप लोग आएगा, देखिए सबसे ज्यादा जो इस बार आप लोगों का नंबर आ रहा है दोस्तों 80 से 85 ज्यादा लोगों का यहाँ पर आ रहा है। हम लोग एनालिसिस में भी देखें और सभी जगह आप लोग देखें, इससे ज्यादा आप लोगों का ज्यादा कटअप नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।